हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जो सेंट्रल रेलवे का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसमें आपको लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिला। और इससे पहले हम लोग ने यहाँ पे देखा कि रेल कोच फैक्ट्री का फोर्थ राउंड मतलब फोर्थ मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, लिस्ट में अपना नाम नहीं मिला है तो मिला लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 14 और 15 तारीख को रखा गया है आरसीएफ कपूरथला का, ठीक है। आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट में मेरिट लिस्ट का सेक्शन में जाना है, वहां से आपको मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे वो आपका सेंट्रल रेलवे का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। और जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कुछ कैंडिडेट का कट ऑफ भी सामने निकल कर आया है, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। एक एक करके सभी कैंडिडेट अपना नाम मिला लीजिएगा और जिस डेट में आपको जाना है, जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर आपको पार्टिकुलर सेंट्रल रेलवे के जिस भी डिवीजन से आए हैं, जो हम आपको आगे सारा डिटेल से कवर करने वाले हैं, उस डिवीजन में आपको पहुंच जाना है। याद रखिएगा कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट और प्रॉपर रेलवे का फॉर्मेट में अगर नहीं लेके जाइएगा तो इन केस आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। और कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज, इसके बारे में भी हम जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पर देखने को भी मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप आया था उसका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है। और ये जो मेरिट लिस्ट रिलीज आया है ना, ये आपका सेकेंड राउंड का मेरिट लिस्ट है। सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट आया है। डिवीजन देख लीजिए, तो ये जो डिवीजन है वो आपका सेंट्रल रेलवे, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर हो गया 2023 का। स्टैंड बाय वाले कैंडिडेट सभी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा। ये जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका 4 दिसंबर 2023 के डेट में रिलीज हुआ था। ये डीवी का मेरिट लिस्ट किस डिपार्टमेंट से आया है, तो सेंट्रल रेलवे के सोलापुर के तरफ से ये आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिल रहा। हम आपको पहले भी इसके रिगार्डिंग अपडेट दिए थे कि सेंट्रल रेलवे का एनी हाउ कुछ भी हो जाए, इसका सेकेंड डीवी का मेरिट लिस्ट भी जरूर से जरूर रिलीज किया जाएगा। तो फाइनली एक एक करके उसके रिगार्डिंग भी अपडेट आना शुरू हो गया है। तो पल पल का इसी तरह का अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जरूर जरूर कनेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो ऑफिशियली मेरिट लिस्ट है प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर दिया गया, तो वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट को सम्मिलित किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको DRM ऑफिस पर्सनल ब्रांच सोलापुर चले जाना है। कब जाना है उसके रिगार्डिंग वीडियो के आगे बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया है सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन ID, कैंडिडेट नेम, अलॉटेड कम्युनिटी और आपका ट्रेड नेम। तो यहाँ पे देखिए जितने भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो ट्रेड वाइज आपको यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा। कहीं पे आपका मैकेनिकल डीजल है, तो कहीं पे फीटर है, कहीं पे वेल्डर है, कहीं पे कारपेंटर है, कहीं पे इलेक्ट्रीशियन है। तो जहाँ का जितना सीट खाली था उसके अकॉर्डिंग उस रेशियो में सेंट्रल रेलवे सोलापुर ने सेकेंड डिवी का मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया। देख लीजिए यहाँ पे आपका मैकेनिस्ट का भी ट्रेड वाले कैंडिडेट दिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे वेल्डर के भी कैंडिडेट दिख रहे हैं, मैकेनिस्ट के भी दिख रहे हैं और फीटर का तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए पेंटर के भी कैंडिडेट हैं, कारपेंटर के भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब आपको देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कब और कहाँ जाना है। सब्जेक्ट में जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको रेफरेंस वगैरह में क्या बताया गया है कि एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन मैकेनिकल C&W डिपार्टमेंट सोलापुर डिवीजन। अब सबसे महत्वपूर्ण कुछ कैंडिडेट का सवाल हो सकता है कि सर ये बता दीजिए कि ये जो मेरिट लिस्ट आया है सेंट्रल रेलवे का कौन सा सेशन का है, 22-23 सेशन का है या फिर आपका 23-24 सेशन का है। तो डियर ये जो मेरिट लिस्ट है वो आपका 22-23 सेशन का है, 23-24 सेशन का अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। ये जो मेरिट लिस्ट है आपका 22-23 सेशन का, हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पे देख लीजिए आगे आपको क्या बताया गया है, कब जाना है उसके रिगार्डिंग आपको यहां पे अपडेट दिया गया है। तो देख लीजिए आपको जाना है 18/12/2023 को, मतलब 18 दिसंबर 2023 के डेट में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। एक बार कहां पे आपको सारा जो स्ट्रक्चर बताया गया उसके रिगार्डिंग देख लीजिए, विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन थ्रू रेलवे रिक्रूटमेंट सेल बॉडी बंडर यू हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द कॉम्प्लेंट अथॉरिटी फॉर द इंपार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन द डिजिग्नेटेड ट्रेड ऑन सोलापुर
डिवीजन इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट कैरिज एवं वैगन यूनिट ऑन प्योरली टेम्पोरी बेसिस। यू आर देयरफॉर एडवाइज टू रिपोर्ट ऑन डिवीजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस पर्सनल ब्रांच मैकेनिकल C&W सेक्शन सोलापुर 413001 एट 9:30 आवर्स ऑन 18/12/2023 फॉर द कंप्लेंट ऑफ द फर्दर फॉर्मेलिटी दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहां पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है, आपको टेम्प्रोरी बेसिस पर एक साल में रेलवे अप्रेंटिस के तौर पे यहां पे सिलेक्शन किया गया है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 दिसंबर 2023 के डेट में रखा गया है। आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां जाना है उसके रिगार्डिंग यहां पे बताया गया है, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस पर्सनल ब्रांच मैकेनिकल C&W सेक्शन सोलापुर, यहाँ पे आपको डीवी के लिए चले जाना है। बाकी ये सारा कुछ एज लिमिट के रिगार्डिंग आपको बताया गया है। आप एज का रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल में आपको कार्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी आपका रूल और रेगुलेशन में बदलाव होगा वो रूल और रेगुलेशन आपको यहाँ पे स्वीकार करना होगा। और आपको इसके साथ एक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर, ठीक है, ये भी आपको अपने साथ यहाँ पे नॉमिनेटेड करके लेके जाना है। और यहाँ पे फिर से आपको बताया गया है कि आपका जो डीवी है वो 18/12/2023 के डेट में यहाँ पे रखा जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे प्रिपेयर्ड होकर ही जाना है, ठीक है ना। आगे देखिए आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको अपने लेकर जाना है बिफोर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग से पहले ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, परफॉर्मा आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पर अपडेट है, तो वहां से जाके आप परफॉर्मा को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ ले लेना है, ठीक है। डीवी का डेट याद रखिएगा कि 18/12/2023 तक आपको यहाँ पे चले जाना है। और बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में सवाल होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो पूरा लिस्ट है आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पर अपडेट है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।